वेलकम बैक टू चैनल अनदर वीडियो विद अनदर रेसिपी तो गाइज आज मेरे किचन में बन रहे हैं कीमा करेले करेले तो आप सबने बहुत खाए होंगे लेकिन ये मेरे स्टाइल में बनाएंगे और इस रेसिपी को आप ट्राई करेंगे तो आई एम श्योर आपके घर में जो करेले नहीं खाते होंगे वो भी खाना स्टार्ट कर देंगे तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द रेसिपी गाइज तो फर्स्ट स्टेप में फ्रेंड्स मैंने करेलों को स्क्रैप कर लिया है मतलब कि जो ऊपर की हार्ड सरफेस होती है हो, उसे रिमूव कर दिया है नेक्स्ट फिर मैंने इसके जो सीड्स थे वो रिमूव किए फिर इसे सेमी सर्कुलर शेप में काट लिया और उसके बाद एक टेबल स्पून नमक डाल के मैंने इसे थर्टी मिनट्स के लिए रेस्ट पर रख दिया यहाँ मैंने लिया है हाफ़ कप कीमा तो मेरे पास कीमा तो नहीं था मेरे पास बोनलेस पीसेस थे तो हम तो ठहरे इंडियंस और इंडियंस का तो जुगाड़ करना बर्थ राइट है ना सही है तो मैंने क्या किया कि नाइफ़ से पीसेस को छोटा छोटा काट लिया एंड देन मिक्सी में चला दिया तो बन गया कीमा हमारा तो नेक्स्ट है फ्राइड अनियन मैंने छोटे साइज़ की प्याज को फ्राई कर लिया देन नेक्स्ट है तीन मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने थिनली स्लाइस कर लिया नेक्स्ट है टू टेबल स्पूनस ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट देन टू मीडियम साइज टोमेटो जिनको मैंने चॉप कर लिया है अब फ्रेंड्स थर्टी मिनट्स हो चुके हैं मैंने करेले को दो से तीन बार अच्छे पानी से साफ़ कर लिया है और जो एक्सेस वाटर था उसे स्क्वीज़ करके निकाल दिया है अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स स्टेप टू की तरफ तो जो पैन में मैंने अनियंस को फ्राई किया था सेम पैन में और सेम ऑयल में मैंने जो है करेले फ़्राई कर रही हूँ तो हमें इसे इतना फ्राई करना है कि ये लाइट ब्राउन हो जाए और फिर हम इसे निकाल लेंगे तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि कितना करना है तो ये देखें इतना ही हमको फ्राई करना है इससे ज़्यादा नहीं करना है अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड स्टेप की तरफ तो फ्रेंड्स स्टेप थ्री में हमें सेम ऑयल यूज़ नहीं करना है जिसमें हमने करेले फ्राई किए थे क्योंकि चांसेस है कि आपकी सब्ज़ी बिटर हो सकती है तो हम नया ऑयल लेंगे और फिर प्याज को फ्राई करेंगे अब हमें इसे सिर्फ लाइट ब्राउन होने तक ही फ्राई करना है जो पिंकिश लगती है ना सिर्फ उतना ही आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अभी मैंने इसे कितना फ्राई किया है नेक्स्ट अब हम इसमें टोमेटोज ऐड कर देंगे और इसे मिक्स करेंगे और तीन से चार मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे तो फ्रेंड्स अब तीन से चार मिनट हो चुके हैं अब हम इसमें हमारा कीमा ऐड करेंगे तो कीमे को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा वाइट ना हो जाए अभी आपको पिंक दिख रहा है जब ये वाइट हो जाएगा तब तक मिक्स करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ मेरे कीमे का कलर चेंज हो चुका है अब मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और दो से तीन मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे ताकि जिंजर गार्लिक का जो रॉय स्मेल है वो चला जाए तो फ्रेंड्स अब बारी है हमारे पाउडर्ड मसाले डालने की तो मसालों में जाएगा वन एंड हाफ़ टेबल स्पून मिर्ची पाउडर वन टेबल स्पून धनिया पाउडर हाफ़ टेबल स्पून गर्म मसाला हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर एंड सॉल्ट टू टेस्ट मिला देंगे और पाँच से छः मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे अब हम फ्राई किए हुए करेले को ऐड कर देंगे सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर दो से तीन मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे अब हम लीड हटाएंगे और लास्ट में कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जिसमें हैं फ्राइड अनियंस वन एंड हाफ़ टी स्पून सौंफ एक चुटकी कलौजी एंड वन एंड हाफ़ टी स्पून इमली का पल्प नाव मिक्स एवरीथिंग वेल अब लास्ट में इसे चार से पाँच मिनट के लिए के पका लें तो फ्रेंड्स नाव अवर कीमा करेले इज़ रेडी टू सर्व तो फ्रेंड्स ये रेसिपी नॉर्मल करेले से हटके हैं तो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे बनाएं और बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कैसी बनी है और इस वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में सी यू गाइस